जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा, आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 47, चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में बेटा, एन एस और बी पार्टनर्स हैं, रेशो है 1:2, 1:6 और 1:3। तो यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, रेशो है हमारा 3:1 और 2 का, ठीक है, रेशो है 3:1 और 2 का। उनकी बैलेंस शीट गिवन है बेटा, और इसके बाद लिखा है बी रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस ऑन द अबव डेट एंड पार्टनर्स एग्री टू द फॉलोइंग्स, फ्री होल्ड प्रमाइसेस और स्टॉक उसको एप्रिसिएट करना है, मशीनरी और फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹1500 और गुडविल ऑफ द फर्म गिवन बेटा 21,000। इसके बाद आपको लिखा है एडजस्टमेंट कि जो उनकी टोटल कैपिटल होगी रिमेनिंग पार्टनर्स की, वो अपनी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एडजस्ट करेंगे आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बी, ठीक है। और जो हमें एडजस्टमेंट कर दिया बेटा, वो कर दिया थ्रू करंट अकाउंट। तो हमें बनाना है अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले फ्री होल्ड प्रमाइसेस, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर और डेटर्स पे आप टिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारी एडजस्टमेंट है। इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। तो सबसे पहले तो बेटा इसमें कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, तो हम लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी 30:30:28। ठीक है, उसके बाद बिल पेबल से बेटा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में ऐसे कैसा चला जाएगा, ठीक है, और ये होगा 12,000। इसके बाद जनरल रिजर्व है बेटा, तो जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा बाय जनरल रिजर्व, तो रेशो है यहाँ पे 3:1 और 2, ठीक है, 3 का मतलब यहाँ पे 6,000, 2,000 और ये 4,000, राइट। अब इसके बाद सिंडिक रेटर्स है, सिंडिक रेटर्स को लेकर भी कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो सिंडिक रेटर्स का बैलेंस भी वैसे का वैसा हम लोग बैलेंस शीट में लिख देंगे। फिर आता है बेटा बैलेंस शीट के एसेट्स में फ्री होल्ड प्रमाइसिस, 40,000 गिवन है, ठीक है, और लिखा है इसको एप्रिसिएट करना है 20%, दैट इज 8,000। तो नई बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू जाएगी बेटा 48,000, और रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में भी आप लिखेंगे माय फ्री होल्ड परमाइसिस 8,000 का आपको बेनिफिट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको मशीनरी गिवन है बेटा, मशीनरी डेप्रिशिएट करना है 30,000 है, 10% आपको डेप्रिशिएट करना है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2 मशीनरी अकाउंट 3,000, और यहाँ पर मशीनरी की वैल्यू आप 3,000 रिड्यूस करके बैलेंस शीट में दिखा देंगे, दैट इज 30,000 माइनस 3,000 27,000, ठीक है। इसके बाद बेटा गिवन आपको फर्नीचर, और फर्नीचर को भी डेप्रिसिएट करना है 7%, ठीक है, तो यहां पर आप फर्नीचर लिख लेंगे और फर्नीचर की वैल्यू है 12,000 माइनस कर देंगे 7%, दैट इज 840, तो आ जाएगा बेटा 11,160, ठीक है, और यहां पर आप लिखेंगे 2 फर्नीचर डेप्रिसिएट कर देंगे 840, राइट बेटा। अब इसके बाद आता है स्टॉक, ठीक है, स्टॉक के बारे में लिखा है स्टॉक इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 15%। अब देखिए स्टॉक की बुक वैल्यू बेटा 22,000, और 15% अगर एप्रिसिएट होगा तो वैल्यू हो जाएगी बेटा 3,300 बढ़कर,
ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे स्टॉक 22,000 प्लस 3,300, ये हो जाएगा बेटा 25,300। और रिवेल्युएशन की क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय स्टॉक 3,300, राइट। अब इसके बाद स्टॉक हो गया बेटा डेटर्स। अब डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट लिखा है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाज टू बी क्रिएटेड बाय 1,500, तो ये हमारा लॉस हो गया बेटा 1,500 का टू डेटर्स या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,500। और डेटर्स में अब आप 1,500 और माइनस करेंगे, आपको और ज़्यादा प्रोविजन बनाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बेटा 20,000 माइनस 2,500, प्रोविजन बढ़कर 2,500 का हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा 17,500, राइट। फिर इसके बाद कैश, अब देखिएगा कैश का यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो कैश को हम ऐसे ही लिख देंगे, कैश हो जाएगा बेटा आपका 7,000, राइट। तो यहां पर हमने अपनी पूरी बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट कर ली, जो वैल्यू जहां ट्रांसफर करनी थी हमने वो कर दी। फ्री, अब देखिए फ्री ऑन प्रमाइसेस और स्टॉक भी हो गया, मशीनरी फर्नीचर भी हो गया, डेटर्स भी हो गया। अब है ऑन बीज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 20,000, ठीक है, गुडविल ऑफ फर्म दे रखा है बेटा, तो 20 शेयर ऑफ गुडविल दैट विल बी 21,000 इंटू 2/6 यानी 7,000, ठीक है, 7,000 बी को मिलेगा और इसको गुडविल कौन देगा बेटा, एन और एस देगा, वो भी किस रेशो में देगा बेटा, ये हो गया 3:1 की रेशो में, ठीक है, यानी एन देगा 7,000 का 3/4 और एस देगा 7,000 का 1/4, राइट। ये हो गया देखिए 1/3, ठीक है, और ये हो गया 1,750 × 3 × 5 × 5 ठीक है, 7,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय एंड कैपिटल अकाउंट 5 × 5 = 0, बाय एस कैपिटल अकाउंट 1,750 और यहां पर आप डेबिट कर देंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट 5 × 5 = 0 और यहां पर एस का 1,750, ठीक है। तो बेटे हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए तो आपकी जो क्रेडिट साइड है बेटा इट्स 11,300, ठीक है, और जो डेबिट साइड है बेटा ये है आपका 3,4, ठीक है, 5,350, ठीक है। तो 11,300 है क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड का है 5,960 का प्रॉफिट आ रहा है, बिल्कुल ठीक आया बेटा। यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और आप ट्रांसफर कर देंगे एन एस और बी में, ये आया बेटा 5,960 डिवाइडेड बाय 2,2980 तो हो जाएगा बेटा टेन का, ठीक है, और 5,960 डिवाइडेड बाय 6 ये हो जाएगा बेटा 993
एस का इंटू टू कर देंगे तो हो जाएगा 1987 पॉइंट्स में है देखिए भाई, ठीक है। और यह 5960 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, टोटल लिख देंगे 11304। फिर हम क्या करेंगे, अपना जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, इसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है, 2980993 और यह आ जाएगा बेटा 1987, ठीक है। और जैसे ही आप प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर करेंगे तो आपकी सारी चीजें होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन अकाउंट निकालेंगे। तो देखिए अमाउंट कितना है, 32,000 प्लस 550 प्लस 1750 प्लस 1987, ठीक है। तो इट विल बी बेटा 40987। पर यहाँ पर आप बी का लोन अकाउंट बनाकर इसके बी के अकाउंट को क्लोज कर देंगे। यह हो जाएगा बेटा 40987 और यहाँ पे बी का अकाउंट हमारा बंद हो गया 40987 से, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग एन एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, एन और एस की। तो हम लोग लिखेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एन, ठीक है। तो बेटा 38,980, ठीक है, और डेबिट में है 5250। तो एन का आएगा बेटा 33,730, ठीक है। अब बात करते हैं एस की, ये होगा बेटा 32,993 और यहाँ से आप माइनस करोगे 1750। तो एस का जो एडजस्टेड कैपिटल है वो होगा बेटा 31243, ठीक है। अब अपने को क्या करना बेटा, इनका ऐड करके टोटल कैपिटल निकालना है। बड़ी अजीब सी कैलकुलेशंस है, 33730 फिर आ जाए बेटा, कैपिटल आएगा 64973 बेटा। देखिए ये हमारी टोटल कैपिटल आ गई जो नई फर्म में हो गई, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द कंटिन्यूइंग या रिमेनिंग पार्टनर्स। तो हमें निकालनी है बेटा न्यू कैपिटल ऑफ एन एंड एस। तो एन का जो शेयर होगा बेटा वो होगा 64,973 का 3/4 और एस का जो शेयर होगा बेटा वो होगा 64,973 का 1/4, ठीक है। तो कर देते हैं 64973 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगा बेटा 16243, ठीक है। और एन का आ जाएगा बेटा 48,730, राइट। तो ये बेटा हमने एन और एस की कैपिटल निकाली जो नई फर्म में होनी चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहां पर लिख देते हैं टू बैलेंस सीडी, ठीक है। ये होगा 48730 और ये होगा 16243, राइट। अब देखिए एन का लगा कितना है बेटा, एन का लगा 33730 जबकि होना कितना चाहिए बेटा
48730, तो इसका मतलब एन जो है लेके आएगा। तो यहां पर आप लिखेंगे बाय एन करंट अकाउंट, इट विल बी 15,000, ठीक है। और यहां पर जो एस है, एस का होना चाहिए बेटा कितना, 16,243, बट इसका एग्जिस्टिंग है 31,243, तो ये विड्रो करेगा। तो यहां आप लिखेंगे टू एस करंट अकाउंट, ये भी 15,000 विड्रो कर लेगा, ये बैलेंसिंग फिगर है आपका। और फिर आप इनके कैपिटल अकाउंट बंद कर देंगे, तो हो जाएगा बेटा आपका 53,980, और यहां पे भी 53,980 से आप इसका अकाउंट बंद कर देंगे। और इसका होगा बेटा इसका 32,993, ठीक है। अब जैसे ही ये आपका मैच करेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले करंट अकाउंट ट्रांसफर करना है। तो करंट अकाउंट ट्रांसफर किया बेटा एन करंट अकाउंट, ये तो आएगा आपका असेट्स में, क्योंकि इसको 15,000 लेकर आना है, ठीक है। और यहां पे एस करंट अकाउंट, ये आएगा आपकी लाइब्रेरी में, क्योंकि इसको 50,000 फर्म पे करेंगे। फिर यहां पे आप लिखेंगे कैपिटल अकाउंट एन और एस, ये कितना हो गया बेटा, एन का है 48,730, एस का है 16,243, और ये जो टोटल आएगा बेटा ये आएगा 64,973। अब इसके बाद आपका रहेगा बीज लोन अकाउंट, तो अब बीज लोन अकाउंट भी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे। लाइबिलिटी साइड में आप लिखेंगे 40,987, और जैसे ही आप ये लोन अकाउंट यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाती है, ठीक है बेटा। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन, और बुक में देखा कि ये तो सीबीएसई ने बोर्ड में ये दे रखा था, तो समझ नहीं आया इस तरीके की कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम में क्यों दिया। चलिए खैर, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वी अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एटलीस्ट, ठीक है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा जय श्री कृष्ण।